डोला सजी गे डोला रे सजी गया डोला सजी गे डोला रे सजी गया बाबा तुंगनाथ स्वामी कैलाश पेटिया बाबा तुंगनाथ स्वामी कैलाश पेटिया देव सजी गे दरबार सजी गए देव सजी गे दरबार तुंगनाथ स्वामी कैलाश पेटिया बाबा तुंगनाथ स्वामी। हरि ओम नमः शिवाय ओंकार बिंदु संहितम नित्य ध्यायि कामदं मोक्षदं जय ओंकाराय नमः परमेश्वर ओंकार बिंदु संहितम नित्य ध्यायि कामदं मोक्ष ओंकार मूल ब्रह्मा मध्य विष्णु अग्रम सदा ओंकार तमिगम यजामहे सुगंध पुष्टिभरं उर्वार कमीनादं निर्तो मोक्षी महामृत्युंजय परमेश्वर नमः शिवाय। ये भगवान स्वयं ओंकार आप देखेंगे ब्रह्म ओंकार रूप है भगवान का। ये भगवान शेषनाग का रूप है, भगवान अनंत महादेव। ये भगवान स्वयं चंद्रमौली का रूप है भगवान का। और भगवान सबसे ऊपर भगवान सूर्य नारायण का मुख है, लेकिन मुख भगवान का एक है, नाग का। भगवान जी स्वयं ओंकार दूधाधारी हैं। आपको दिखाऊंगा मैं, ये खीर समुद्र कहते हैं इसको। और ये दूध का दूध पानी का पानी साक्षात कर देते हैं भगवान जी। ये दूध नीचे अलग हो जाता है और पानी इस साक्षात अलग हो जाता है भगवान की कृपा से। इसको बोलते हैं दूध का दूध और पानी का पानी। ये आपके सामने साक्षात है। और भगवान साक्षात ये जलधारा जब चलती है, ये भगवान स्वयं ओंकार के दर्शन है। ये नाग के रूपी में जिसको दर्शन देने होंगे भगवान जी स्वयं ये नाग बन करके अपने आप ही स्वयं ये दर्शन है। ये शिव है ओंकार जो जगत आधार मादे पार्वती का रूप है। ये विष्णु है, ये प्राण है और एक जीव है। इस जीव में सारी संसार है प्रभु, और ये ओंकार का रूप है। ऐसा भगवान ने मुझे ज्ञान दिया था, ऐसे साक्षात दर्शन किया था। और ये ऐसे ही भगवान अपने आप प्रकट हैं। और ये भगवान पूरा ओंकार का रूप है। इसमें भगवान विष्णु, भगवान नारायण, भगवान अनंत महादेव शंकर और भगवान चंद्रशेखर स्वयं भगवान शंकर और सूर्यनारायण भगवान स्वयं नारायण का रूप, पूरे दोनों का हरिहर महादेव का त्रिगुण रूप ओंकार है भगवान जी। महाचंडिका गणपति भगवान और भगवान का पंच परिवार दरबार शिव का ओंकार दरबार है सभी। हरिओम। इसके दैनिता इधर भगवान ये गणेश का मुख है। ये पर्वत पूरा, ये जो पर्वत है ये पूरा हाथी का माथा है। ये पूरी दो उठी उठी आँखें हैं। ये पूरा सुंड है, इसमें दंत है, इसमें भगवान का पानी निकलता है। ये आदि गणेश है भगवान का। ये जो पहले का जो मंदिर था यहाँ यक्ष टाइम का, उसका ये स्वयंभू गणेश है। इसमें साक्षात गणेश बना हुआ है, साक्षात ये मुकुट है, साक्षात ये एक दंत है। ये भगवान उस मंदिर का निशान है जो पहले यहाँ दबा हुआ मंदिर था। ये मंदिर 2001 में भगवान कृपा से बना है। सामने भगवान तुंगनाथ जी हैं। और यहाँ पर जो है ये सामने राक्षसी डांडा है। एक सामने जो है भगवान ये पूरा गांव का माँ काली का मंदिर है। ये दक्षिणेश्वरी का मंदिर है। ये सामने पर माता की शिला है, माँ चंडिका की, वो सामने पहाड़ पे। और वहाँ पर सामने एक हनुमान जी की शिला है। और ऐसे घूम करके ऊपर में भगवान जी का ये माता की शिला, वो हनुमान की शिला, पीछे भैरवनाथ भगवान जी और ऊपर भगवान नागराज का स्वयं ओंकार का ये रूप पूरा जो है भगवान का एक ओंकार सारा साक्षात जो है जगता दूधारी ओंकार अपने ईश्वर महादेव दूधारी जगता सारी में स्थापित हुए हैं। करीब ये भगवान तुंगनाथ का ही हरिहर महादेव रूप है। सारी दुनिया जानती है। भगवान पंच केदार में भगवान तुंगनाथ का स्वामी का जो हरिहर रूप है सामने, वही तुंगनाथ है। वो ऊपर निरालम चंद्रशेखर है और पाताल भूतनाथ है। ऐसा विश्वनाथ का वो स्वयं ओंकार रूप है। उसको रावण शिला बोलते हैं और भगवान के पंच केदार में माना जाता है। इसका रूप जो है भगवान केदारनाथ जी हैं जो सारे पाप दाप को दूर करते हैं, और पेट का रूप जो है भगवान बंदेश्वर हैं जो किलिंकानी बीज रूपणी मोहानी जो एक बीज आधार है भगवान पंच केदार का या पूरी संसार का। और भगवान तुंगनाथ को हरिहर का रूप कहते हैं जो हृदय में जो बाजू हैं जो दोनों वो कर्ता रूप भगवान तुंगनाथ हैं। और पंच केदार में कहते हैं तुंग ईश्वर रुद्र कल्प में ईश्वरम जो पंच केदार की आरती होती है उसमें तुंगनाथ को ईश्वर का रूप माना गया है और माना जाता है और आज भी देखा जाता है। जो भक्त उतना लायक होगा साक्षात उसको एक ही बार में दर्शन भगवान दे देते हैं। मुख जो है रुद्रनाथ का रूप है और जटाएँ कल्पेश्वर का रूप है और जटा में विष्णु भगवान बद्र विशाल हैं जो विष्णु का रूप हैं। और कहा जाता है कि जो भगवान का तीसरा नेत्र है वो नेपाल में पशुपतिनाथ हैं। ऐसा भगवान शिव का पूरा ओंकार रूप पंचकेदार का माना गया है यहाँ पंचकेदार में। और उसमें जो द्योरताल है वो हरि हैं और जो तुंगनाथ हैं वो हर हैं, इसलिए हरिहर का रूप ही आमने सामने भगवान तुंगनाथ का दोनों का वासुकी का नारायण का वासुकी शंकर और वासुकी नारायण का एक जो घर है ये वो है अनंतों का द्योरताल का खीरी समुद्र बोलते हैं हमारे इसमें बोलते हैं खीर समुद्र। इसमें जो है दूध का दूध पानी का पानी आप साक्षात देख सकते हैं। इसी को खीर समुद्र हमारे वेद भाषा में और हमारे इतिहास में हमारी संस्कृति में जब भी गाया जाता है तो खीर समुद्र से ही जोत जलाई जाती है, क्योंकि ये रत्नेश्वर हैं, विश्वम रत्नेश्वर महादेव हैं और जगदीश्वर सूर्य नारायण हैं भगवान जी। मेरा नाम मोहन है, मैं इसी गांव से मेरी जन्मभूमि है और 20 साल मैंने अपना बचपना यहाँ पर गुजारा है और 20 साल में आर्मी के सेवा भी की है गढ़वाल राइफल में। और उसके बाद 97 में मैं रिटायर हो गया था और रिटायर होने के बाद मैं जब यहाँ पर आया तो ऐसा थोड़ा था घर में ऐसे ही पैसे के चक्कर में जो है मैं तो मैं होती रही और मेरे मन में ऐसे ही जो है घर के जो है इस झंझट से बैराग जा गया और मैंने घर छोड़ने का फैसला कर लिया। और मैं घर से अलग होकर के मैंने यहाँ पर अपना एक छोटी सी कुटिया बनाई, यहाँ पर भगवान का ध्यान करने लग गया। ध्यान करते करते भगवान जो है स्वयं ओंकार जोरे नागराज जाग गए, भगवान शंकर मेरा साथ देते रहे, मुझे सपनों में दिखाते रहे, ध्यान में आते रहे और मुझे भक्त में आनंद आने लगे। मैंने घर बार छोड़ दिया और 3 साल मैंने यहीं पर एक पत्थर के नीचे बर्फ़ में धूप में पानी में भगवान का साधना की और उसके बाद भगवान का मेरे को सत्य में एक साक्षात्कार होने लग गया और होते होते मैं भगवान के जो है स्वरूप में लीन हो गया और मैं यहाँ पर मंदिर का निर्माण कर दिया। घर में मैंने बताया नहीं था मैं इतना बड़ा मंदिर बनाऊँगा, लेकिन मैंने ये सोचा कि अपने आराधना के लिए छोटा सा मंदिर बनाऊंगा, लेकिन बनते बनते भगवान का पूरा धाम का मंदिर है जो कि जुड़े नागराज ओंकार के धाम का मंदिर बन गया है। और उसके बाद मैंने जो है यहाँ पे भगवान की स्थापना करने का निश्चय किया। स्वयं जो है मैं भगवान की स्थापना के लिए एक भागवत का आयोजन किया, 11 दिन का भागवत का आयोजन किया और स्वयं नरवेद से ज्योतिर्लिंग ला करके भगवान के यहाँ पर जब मैंने 12 साल तक तपस्या की उसमें स्वयं ओंकार का रूप जाग गया। उसमें भगवान शीश नारायण अनंत महादेव चंद्रशेखर सूर्य भगवान साक्षात ओंकार ने मुझे दर्शन भी दिए और भगवान अपना रूप लिंग में स्थापना कर दिया। और उसके बाद मैं भगवान से हमेशा ही जो है मतलब एक टाइम का भोजन और 2 टाइम का नहाना ऐसा मेरा भक्त भगवान के साथ अभी तक चल रहा है और जिसको कि मैं आगे आपको दिखाऊंगा कि वो लिंग जो मुँह कैसे हैं। हरिओम।